धरती माँ माफ नहीं करेगी। ए जल्दी रन जंप 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 जंप। अब थोड़ा शो बचाना है। स्ट्रेच योर फिंगर्स, मेक अ फीस्ट अगेन, स्ट्रेच योर फिंगर्स, मेक अ फीस्ट। नाइस, बोथ हैंड्स ऑन योर शोल्डर्स, शोल्डर मूवमेंट। लखनऊ के जाने माने हॉस्पिटल अपोलो मेडिक्स द्वारा आज एक वॉकाथन 2.0 का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, वॉकाथन एक बार पहले भी हो चुकी है, इसलिए इसका नाम वॉकाथन 2.0 रखा गया है। मधुमेह से लड़ाई के लिए इस वॉकाथन को शुरू किया गया था। आज इसका दूसरा सेशन है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग इस वॉकाथन में शामिल हुए हैं। सभी उम्र के लोग इसमें हैं, इसमें बच्चे हैं, इसमें यंगस्टर्स हैं, इसमें ओल्ड एज के लोग भी शामिल हैं और मधुमेह से अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। अपोलो मेडिक्स द्वारा यह बहुत बड़ा आयोजन है। हजारों की संख्या में लोग इसमें शामिल हुए हैं और डायबिटीज़ से लड़ने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। जो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं वो भी इसमें शामिल हैं और जो डायबिटीज़ से नहीं पीड़ित हैं वो भी इसमें शामिल हैं और मधुमेह से बचने के लिए जागरूकता फैला रहे हैं। आइए अब बात करते हैं अपोलो मेडिक के डॉक्टर मयंक सोमानी जी से और जानते हैं इस वॉकाथन के बारे में। हमारे साथ हैं अपोलो मेडिक्स के MD डॉक्टर मयंक सोमानी जी, उनसे जानते हैं इस वॉकाथन के बारे में। सर, वॉकाथन क्या है, किस लिए आयोजित की जा रही है? ये वॉकाथन जो है डायबिटीज़ डे के चलते हम लोगों ने किया है। यहाँ पे आइडिया ये है कि सबको अवगत कराएं कि डायबिटीज़ को अगर हम लोग एक्सरसाइज से, वॉक से अगर कंट्रोल करना चाहें और मैनेज करना चाहें तो काफ़ी अच्छा रहता है। सर, ये सेकेंड सेशन है इसका, पहले जब हुई थी तब कितने लोग इसमें शामिल हुए, तो इस बार कैसा माहौल दिख रहा है? पिछली बार हम लोगों के पास करीब 800 से 1000 लोग थे और इस बार हमारे पास 6000 रजिस्ट्रेशन हुए, लोग आ ही रहे हैं। करीब 3000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी आ चुके हैं और वॉक पे चालू हो गया है। सर, सभी उम्र के बच्चे से लेकर के ओल्ड एज तक के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, कैसा लग रहा है देख करके? नहीं, ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों की जागरूकता बढ़ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जितने ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही ज़्यादा लोगों को पता चलेगा कि हम लोग डायबिटीज़ से लड़ सकते हैं। डायबिटीज़ आज के डेट में कॉमन बीमारी हो चुकी है, 10 में से मतलब बड़ी संख्या में लोग उससे पीड़ित दिखते हैं, तो क्या सजेशन है कैसे डायबिटीज़ से बचा जा सकता है और अपने जीवन को अच्छा किया जा सकता है? उचित खाना, उचित एक्सरसाइज, उचित तरीके से वॉक करना और सही दिशा में सारी दवाइयां लेना, यही तरीका है डायबिटीज़ से लड़ने का। थैंक यू मैम। ये थे हमारे साथ अपोलो मेडिक्स के MD डॉक्टर मयंक सोमानी जी, जिन्होंने वॉकाथन 2.0 के बारे में बताया कि लगभग 6000 लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, सभी उम्र के लोग इसमें शामिल हुए। इसके साथ साथ इन्होंने डायबिटीज़ से बचने के लिए कुछ टिप्स भी दिए, जिनमें प्रॉपर वॉक करना, अपने खान पान को सही रखना आदि चीज़ें शामिल हैं। सर, मधुमेह से लड़ाई के लिए आज वॉकाथन का आयोजन किया गया, आप इसमें शामिल हो रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो हर साल शामिल होता हूँ, पिछले साल लास्ट ईयर भी शामिल हुआ था। सर, क्या आप डायबिटीज से पीड़ित हैं? मैं तो पीड़ित नहीं हूँ। जी जी, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? कि लोगों को खूब वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, दिन भर व्यायाम, मतलब सवेरे सवेरे व्यायाम करिए, तो डायबिटीज आएगी नहीं पास में। थैंक यू सर। मेरा नाम अतुल कुमार टंडन, मैं सेकेंड इनिंग सीनियर सिटीजन क्लब का मेम्बर हूँ और यहीं आशाना में रहता हूँ। आज इस अच्छे मौके पर ये मैसेज देना चाहता हूँ सबको
कि मधुमेह से अगर आपको जीतना है तो आप अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए मॉर्निंग में 45 मिनट की वॉक जरूर करिए और पूरे दिन में एक घंटे की वॉक और प्राणायाम भी करिए साथ। मेडिकेशन बंद मत करिए, मेडिकेशन भी डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से लेते रहिए, लेकिन जितना शरीर को एनर्जी लेने के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है वो एब्जॉर्ब तभी हो सकता है जब आप वॉक करेंगे, और अगर आप स्विमिंग करना जानते हैं तो स्विमिंग। ये आज बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया है अपोलो मेडिक्स की तरफ से, एक मास कम्युनिकेशन है कि सब लोगों को स्वस्थ रहना है तभी भारत जो है वो प्रगतिशील देश से प्रगतिपूर्ण देश बनेगा। थैंक यू वेरी मच। आज इसमें शामिल हुए वॉकेथन में कैसा लग रहा है? हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे योग परिवार से है, पूरी योगा टीम है, ये डेली योगा वाले हैं, लेकिन आज मैराथन में आके वॉकेथन में आके हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा और सुबह से 4 बजे से ही सब उठ के रेडी है। डायबिटीज पीड़ित बहुत से लोग हैं जिनके लिए वॉक बहुत जरूरी है, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनके लिए? यही कहेंगे बिल्कुल निश्चिंत रहें, मधुमेह नाम की कोई चीज नहीं है, अपनी दिनचर्या को ठीक करें और जैसे जैसा इसमें भी कहा गया है आओ चले मधुमेह से लड़े, उसका मतलब ये कि डेली वॉक करें और मधुमेह को दूर भगाएं। मस्त रहे, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एनर्जी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा। इवन मेरे हस्बैंड भी डायबिटिक हैं और वाकई वॉक से डायबिटीज़ बहुत बहुत कम होती है, तो प्लीज़ अपनी स्पिरिट को बढ़ाएं और खूब वॉक करें। आओ चले, आओ चले, आओ चले। आज मैं पहली बार आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा वैकाथन करके। कुसुम मैम का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें यहाँ लाया और बहुत अच्छा लगा मुझे। और अपोलो का बहुत बहुत धन्यवाद, अपोलो का सबसे ज्यादा अपोलो का धन्यवाद। चाहेंगे हर साल वो ये मत हो, ये आओ चले वाली वॉकाथन है हमेशा ऑर्गेनाइज करें और लोगों की स्पीड इसी तरह बढ़ाए रखें। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।